मैं चला सी यार, मैं डिगन लगा सी यार खूह दे। हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जनाब आज हम एक डेरे पे आए हुए हैं। आज आपको हम एक घोड़ी भी दिखाएंगे, डॉग्स भी दिखाएंगे, डेरा भी दिखाएंगे और आज आपको एक पुराने ज़माने का खूह दिखाएंगे जिसमें पानी पुराने ज़माने से निकाला जाता था और अभी भी निकाला जाता है, तो आपको दिखाते हैं। तो जनाब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर ज़रूर क्लिक कर दें। तो आइए चलते हैं जनाब अपने व्लॉग की जानब। तो इधर हमारा बाइक खड़ा है, हम डॉक्टर साहब के डेरे पे आए हुए हैं, डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब के डेरे पे। इस साइड पे डॉक्टर साहब की कुछ क्या कहते हैं कि गाय और एक बछड़ा है मेरा ख्याल से छोटा सा। दूसरी साइड पे भी है कुछ एनिमल्स, वो भी आपको दिखाते हैं। और ये देखिए डॉक्टर साहब खुद नहीं है, वो साइड पे निकले हुए हैं। हम भी कुछ लेट हो गए थे, कॉल की है उनको मगर वो यहाँ पे नहीं है। और इस साइड पे यार हम इसका बच्चा लेने आए थे कुत्ते का, और यहाँ पे हमें कुत्ते का बच्चा नज़र नहीं आया। किथे मैं किथे तेरा बच्चा, तेरा बच्चा किथे? इतने भाई है ही कोई नहीं, अगर होंदा इतने चुकना सी गाने। हाँ जी, ले जी हम कतूरा ढूंढ रहे थे, पप्पी जिसे कहते हैं, हमें इधर नहीं मिल रहा। और साइड पे देखते हैं, ये डॉक्टर साहब का बड़ा कुत्ता है, प्योर जर्मन क्रॉस बघियाड़ी। तो माशाल्लाह से अच्छी केयर करता है जी। हम आए तो इसने हमें डेरे एंटर नहीं होने दिया, तो खैर मेरे पास भी रह के आया तो थोड़ी बहुत जान पहचान कर ली, तो फिर हमें इसने डेरे एंटर होने दे दिया मिनत तरले करके। तो इस साइड पे आते हैं, आपको कुछ और भी देखने को मिलेगा। इधर एक और गाय और एक बछड़ा है, दो गाय मेरे ख्याल से। ये देखिए डॉक्टर साहब ने काफ़ी पुराने माहौल का वो रखा हुआ है, कल्चर पुराना संभाला हुआ है माशाल्लाह से, काफ़ी प्यारा। इस तरह के वो छतें वगैरह कम ही देखने को मिलती हैं वैसे, और आज हमें आपको भी दिखा रहे हैं और हम खुद भी देख रहे हैं। यहाँ से शायद उल्लू उड़ के गया है या कोई तितर बटेरा था शायद, अभी हमने देखा है। तो इधर चारा वगैरह रखा हुआ है डॉक्टर साहब ने घोड़ियों का और अपने गाय का, गऊ माता का। इस साइड पे आ जाते हैं, यहाँ पे एक तालाब बना हुआ है जानवरों के लिए पानी पीने के लिए। और अभी आपको घोड़ी भी दिखाते हैं। अभी जो ट्रेलर चल रहा है मूवी तो अभी बाकी है। ये डॉक्टर साहब ने बकरियाँ रखी हैं, टैडी बकरी जिसे कहते हैं। ये देखिए वहाँ पे दो कबूतर बैठे हुए हैं इधर। यहाँ पे पिछली बार मैं आया था काफ़ी ज़्यादा कबूतर थे, अभी मुझे दो कबूतर ही नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए इस साइड पे आते हैं, डॉक्टर साहब की मुर्गियाँ दिखाते हैं आपको, शौक दिखाते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर डेरा कोई भी नहीं है, डॉक्टर साहब तो है ही नहीं है। तो इनमें कुछ सील हैं, 2-3 सील हैं, बाकी देसी हैं, अंडों वगैरह के लिए रखी हुई यहाँ पे कुछ। तो ये भी आपको दिखाते हैं। तो बाकी चलते हैं जनाब अपने मेन शौक की तरफ, जो हमारा मेन शौक है घोड़ी की तरफ चलते हैं, और बाद में आपको वो खूह भी दिखाते हैं जो पुराने ज़माने का, काफ़ी पुराने ज़माने का, वो आपको दिखाते हैं। अभी आपको वो शेरी दिखाते हैं डॉक्टर साहब की, मेरे ख्याल से थोड़ी बीमार है। माशाल्लाह से जी अभी तो अच्छी हाइट कर गई है माशाल्लाह, और बहुत ही खूबसूरत बछेरी है माशाल्लाह। इसके ना वो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है इसे। बाकी माशाल्लाह से घोड़ी की गामची देखें, इसकी नली देखें माशाल्लाह से, काफ़ी अच्छी हाइट करने वाली है, और अभी और भी हाइट कर रही है माशाल्लाह से बहुत प्यारी बछेरी। इस साइड पे पानी वाला सिस्टम लगाया हुआ डॉक्टर साहब, पानी तो इसमें है नहीं वैसे, वो पानी का टब जो होता है ना, मशीन जो कपड़े धोने वाली उसका टब लगाया हुआ है। ये खुरली है पट्ठों वाली। खैर हम बाहर चलते हैं जी। तो इधर हम ढूंढ रहे थे वो कुत्ते के बच्चे को, छोटे से पपी को, हमें नहीं मिला। इस साइड पे देखते हैं शायद इधर हमें मिल जाए। खैर मिल जाना चाहिए, ये ना हो कि हमें मिले कुछ ना और हम आए भी हैं। ये इधर पड़ा हुआ है, ये देखें जी माशाल्लाह से कितना प्यारा पपी, छोटा सा माशाल्लाह, क्या बात है। ये तो जैसे ना वो बड़ा प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। इधर मिल गया जी हमें। हम परेशान हो गए थे कि यार हमें ये मिलेगा ही नहीं, किधर चला गया। इसका फेस कितना प्यारा है यार। इसको उठा लेते हैं यार, दिल करता है उठा लें। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये मेरे ख्याल से ना आया। ये देखिए जी हमने फाइनली ढूंढ लिया इसको। तो माशाल्लाह से इसका जो फेस है ना बहुत प्यारा जी। तो अभी आपको हम पानी वाला खूह दिखाते हैं जो कि काफ़ी पुराना, और मेरे ख्याल से जब पाकिस्तान बना था तब का है। तो आपको दिखाते हैं जनाब। ये प्लेट्स का सिस्टम रखा हुआ है। ये मेरे ख्याल से यहाँ से मोटर चलेगी। वह तार लाई उधर। आहो ये देखिए, इसमें ना मोटर रखी है पास से, इसमें मछलियाँ नजर आई मुझे। आहो कोई यूट्यूब वाले का नवा ला दो। ये देखिए जी खूह है। हमें इसका कुछ सामान नहीं मिल रहा, नहीं तो हम आपको पानी निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पे जो ना तो यहाँ पे कोई बाल्टी नज़र आई हमें, क्योंकि डॉक्टर साहब तो खुद यहाँ पे नहीं है। तो ये जी खूह का सिस्टम है माशाल्लाह। काफ़ी पुराना है, ईंटें देखें काफ़ी पुरानी लगी हैं इस पे, न्यू सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है इसका। और इस साइड पे बाग था मेरे ख्याल से, वो ख़त्म कर दिया डॉक्टर साहब ने, ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया। यहाँ पे अच्छा भला बाग था। और ये देखिए यहाँ पे बैठने का इंतज़ाम रखा हुआ है, बहुत प्यारा इंतज़ाम है। ऊपर दरख्त है और नीचे वो एक टारा नुमा सा बनाया हुआ, देसी सा, कान वगैरह लगाए हुए हैं। तो बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है जनाब। आज काफ़ी लेट हो गई हमें आते आते। तो जिस चीज़ का हमें डर था कि वो चीज़ गुम ना हो जाए, वो हमें मिल गई है। ये देखिए इस साइड पे ना सेम ने काफ़ी काम ख़राब किया। ये देखिए सारी दूर दूर तक आपको नज़र आ रहा होगा पानी पानी है, और कोई जगह भी खुश्क नहीं है, हर जगह पे कलर और सैलाब की माशा। ये इधर देखिए वीरान पड़ा सारा इलाका। ये देखिए ये तालाब पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब ने इधर रखे हुए थे वो बतखें, वो भी हमें आज नज़र नहीं आ रही। वो भी हम देख रहे हैं कि शायद इधर उधर कहीं हो, मगर वो हमें नहीं मिली। तो जी तो दोस्तों आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। टारा नुमा सा है, छत नुमा सी कच्ची और लकड़ियों की बनी हुई है, जिसे हम पंजाबी में काने भी कहते हैं। तो वो बनाई हुई, आपको वो भी दिखाते हैं, और नीचे बैठे बंदे भी आपको दिखाते हैं। तो असी पंजाबी बोलांगे हुण भाई ना, पहले आपको छत दिखाते हैं। ये देखिए लकड़ियाँ लगाई हुई हैं साइडों पे, और अगर ये लकड़ी एक भी गिर गई तो बंदे के ऊपर सारे का सारा मलबा। तो नीचे अब्दुल रहमान भाई साथ ही आए मेरे। भाई क्या हाल है, ठीक हो? दुआवां जनाब, शुक्र अल्लाह दा। कैसा लगे तुम टारे थले बह गए? बहुत मज़ा आ रहा है। कैसी है छां एदी? दूसरा मतलब बंदा आम बैठक दे विच या पक्की छत थले बंदे, एदे थले की चास आ रही तुहानू? थल्ले बहुत ही मज़ा आ रहा है जनाब, क्या बात है। बाकी डॉक्टर साहब इत्थे हुंदे ते फिर होर चास आउणी सी जी, बिल्कुल उन्हां दीयां मुहब्बत भरियां गल्लां असी डॉक्टर साहब नूं मिस कर रहे हैं। बिल्कुल असी भी थोड़ा कांटेक्ट करन दे विच लेट होए हां, और डॉक्टर साहब भी थोड़ा निकले ने दूर पार, क्योंकि गर्मी दा पैर जेड़ा घर चास नहीं आंदी। बिल्कुल इस तरह ही जेड़ा डेरे डेरा चास करांदा है, बिल्कुल इस तरह। और साडा इत्थों जान दिल नहीं कर रहा बिल्कुल, क्योंकि बड़ी ठंडी हवा चलन रही है। अगर धुप्पे बंदा जाए, ये देखो धुप्प तो जाए, मैं धुप्पे नहीं हैगा, धुप्प इधर है और धुप्पे नहीं बह हुंदा, इत्थे बड़ी चास आंदी है। जी तो दोस्तों अभी काफ़ी धूप काफ़ी सर पे आ चुकी है, गर्मी भी लग रही है। मैं अब हमारा जाना ही बनता है, और अभी हम छोटे बच्चे को उठाते हैं और उसको डब्बे में बंद करके लेके जाते हैं। ये देखिए, मुझे तो बहुत पर्सनली पसंद आया। ये देखिए, एक कुत्ती कह रही है कि छोड़ जाओ इसे, हमने आज छोड़ के नहीं जाना, इसे आज लेके ही जाना। इस डब्बे में बंद कर लेते हैं। वैसे ये डब्बा वैसे ठीक ही है, बस गुजारा कर रहा है। तो मिलते हैं जनाब अपने डेरे पे जाके। ये देखिए कह रही लेके नहीं जाना, हक को तीन ले जी, डब्बे में बंद कर लिया हमें, और हम चलते हैं अपने रास्ते की जानब, अपनी मंजिल की जानब। जी तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा जनाब। पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आओ। तो मिलते हैं जनाब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।